सभी के सामने आई चिन्मय से जुड़ी सारी सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार है में टीका सबसे छिपते छिपाते जाती है चिन्मय से मिलने, पर सभी देख लेती है शिका को और वो भी पीछा कर कर जाती है। और वो दरअसल शो के कारण ट्रैक में चल रहा है गुड़ी पड़वा की सेलिब्रेशन की तैयारी, जिसके चलते सभी भी जाती है ईशान के लिए गिफ्ट लेने। तो वहीं पर उसे शिका वहिनी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो उनका पीछा करते हुए जाती है। जहां सभी देखती है शिका वहिनी को एक अजीब से होटल के अंदर जाते हुए और सभी उनका पीछा करते हुए जाती है, जहां पर शिका चिन्मय से मिलती है। चिन्मय वहां शिका से बदतमीजी से पेश आता है, पर सभी चिन्मय को नहीं देख पाती है। पर वो शिका से पूछती है कि क्या हुआ शिका मैम, आप इतने परेशान क्यों हो और आप इस होटल में इस वक्त किससे मिलने आई थी। तो शिका कुछ नहीं बताती है, पर वो बहुत परेशान रहती है। फिर सभी की लगातार पूछने पर शिका बता देती है सभी को कि वो यहाँ पर चिन्मय से मिलने आई थी, क्योंकि राव साहेब चिन्मय को घर वापस नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि चिन्मय एक बिगड़ा हुआ बदतमीज और नालायक लड़का है। पर चिन्मय पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। पर जैसे राव साहेब और आका साहेब चिन्मय को अपना बेटा नहीं मानते हैं और उसे नालायक समझते हैं, किसी भी काम का नहीं समझते हैं, तो इसी वजह से चिन्मय चिढ़ कर ऐसा हो गया है। तो अब चिन्मय की सच्चाई जानने के बाद सभी करने वाली है शिका की मदद और वो चिन्मय को वापस घर लेकर आने वाली है। पर चिन्मय तो सभी से भी बदतमीजी से पेश आने वाला है और सभी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा चिन्मय को सही करने में और उसे भोसले निवास वापस लेके आने में। तो आपको कैसा लगा ये अपडेट कमेंट करके हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।